नमस्कार, वेब दुनिया समाचार में आपका स्वागत है। पेश है आज की प्रमुख खबरें। वसुंधरा राजे के बेटे ने सरकारी जमीन पर लिया मुआवजा, कांग्रेस का आरोप। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के पुत्र दुष्यंत सिंह ने धौलपुर महल से लगी सरकारी जमीन के एक हिस्से के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण से 2 करोड़ रुपए का मुआवजा लेकर धोखाधड़ी की है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि भाजपा नेताओं ने सोमवार को जयपुर में संवाददाता सम्मेलन में गलत जानकारी दी कि धौलपुर महल का स्वामित्व दुष्यंत सिंह के पास है। उन्होंने कहा कि महल और उससे जुड़ी जमीन सरकार की संपत्ति है। कांग्रेस नेता ने कहा कि दुष्यंत सिंह और उनके पिता हेमंत सिंह के बीच महल के भीतर की चल संपत्ति तथा विंटेज कार को लेकर समझौता हुआ था, अचल संपत्ति के बारे में नहीं। उन्होंने इस संबंध में भरतपुर के अतिरिक्त जिला न्यायाधीश के 2007 के एक निर्णय का उल्लेख किया और उससे संबंधित दस्तावेज भी जारी किया। महाराष्ट्र के मंत्री तावड़े पर बिना टेंडर करोड़ों का ठेका देने का आरोप। महाराष्ट्र सरकार की मंत्री पंकजा मुंडे के चिक्की घोटाले के बाद अब शिक्षा मंत्री विनोद तावड़े पर भी भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। अंग्रेजी अखबार इंडियन एक्सप्रेस की खबर के मुताबिक तावड़े पर बिना ई टेंडरिंग के 191 करोड़ का ठेका देने का आरोप है। वित्त विभाग ने इस ठेके में हुई अनियमितताओं का खुलासा किया है। अखबार के अनुसार स्कूलों के लिए आग बुझाने वाले यंत्र की खरीद का ठेका बिना ई टेंडरिंग के ही ठाणे की एक कंपनी को दिया गया। राज्य के 62,105 स्कूलों के लिए 3-3 अग्निशामक खरीदे जाने थे। ललित मोदी पर ईडी ने कसा शिकंजा। आईपीएल टूर्नामेंट में कथित आर्थिक अनियमितताओं और इसके पूर्व अध्यक्ष ललित मोदी के खिलाफ जांच को आगे बढ़ाने के लिए प्रवर्तन निदेशालय ने सिंगापुर और मॉरिशस से कानूनी मदद मांगी है। अधिकारियों ने बताया कि एजेंसी ने अदालत से 2 अनुरोध पत्र प्राप्त करने के लिए कानूनी प्रक्रियाएं आरंभ कर दी हैं ताकि इन्हें 2009 में हुए आईपीएल के टूर्नामेंट के मीडिया अधिकार देने में कथित धन शोधन की जाँच के तहत दोनों देशों को भेजा जा सके। प्रधानमंत्री मोदी ने केजरीवाल को नहीं दिया मिलने का समय। केंद्र और दिल्ली सरकार में चल रही राजनीतिक जंग के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने व्यस्त कार्यक्रमों का हवाला देते हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से मिलने से इनकार कर दिया। करीब 10 दिन पहले अरविंद केजरीवाल ने पीएम से मिलने का समय मांगा था, लेकिन सोमवार को पीएम कार्यालय की तरफ से बताया गया कि अभी पीएम के पास समय नहीं है, आप गृह मंत्री और वित्त मंत्री से मिल सकते हैं। यूनान संकट पर ओबामा ने फ्रांस के राष्ट्रपति से विचार विमर्श किया। अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा ने फ्रांस के राष्ट्रपति फ्रांसवा ओलांद के साथ यूनान के ऋण संकट पर विचार विमर्श किया। दोनों नेता यूनान को आर्थिक सहायता एवं पुनर्वास पैकेज देने संबंधी समझौते पर दोबारा काम शुरू करने पर सहमत हुए हैं। ये थे अब तक के मुख्य समाचार। और ज्यादा जानकारी के लिए लॉगिन कीजिए हमारी वेबसाइट www.webdunia.com। नमस्कार।